हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकास कुक बुक। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट लड्डू। ये लड्डू बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम कोई एक्स्ट्रा शुगर या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें नेचुरल स्वीटनर जो है ड्राई फ्रूट्स वही यूज़ करेंगे। तो ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, खाने बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आइए बनाते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा टेबलस्पून मगज, ये हमने खरबूजे और तरबूज के बीज मिला के रखे हैं। एक बड़ा टेबलस्पून मैंने लिए हैं कद्दू के बीज, एक बड़ा टेबलस्पून बादाम, एक बड़ा टेबलस्पून काजू और थोड़े से पिस्ते और एक बोल भर के मैंने किशमिश ली है। साथ में हमें चाहिए एक चम्मच देसी घी। ड्राई फ्रूट्स आप जितना भी चाहें ले सकते हैं, आपको इनके अलावा और कोई आपके पास अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मात्रा उनकी थोड़ा इस तरह से रखिए कि किशमिश जो है वो ज्यादा रहनी चाहिए और बाकी ड्राई फ्रूट्स जो है वो बराबर मात्रा में रहने चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। सबसे पहले हम पैन में घी डाल देंगे। ये लड्डू बनाने के लिए हमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं होती है और सबसे अच्छी बात है कि हम इसमें किसी भी तरह की शुगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किशमिश की जो मिठास है वही इसमें आएगी। घी को थोड़ा सा फैला लेते हैं पैन में और अब हम एक एक करके सभी चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैं सबसे पहले काजू रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो हम इनको खाली इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि इनमें अगर थोड़ा बहुत कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। काजू रोस्ट हो गए हैं, लाइट पिंक हो गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ और अब इसी घी में मैं बादाम डाल के रोस्ट कर लेती हूँ। बादाम को भी हमें लगभग 2 मिनट मीडियम आंच पे रोस्ट करना है। बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, थोड़ा सा चटकने लगे हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी और इनको भी हम निकाल लेंगे। अब मैं डाल रही हूं इसमें ये मगज और कद्दू के बीज, ये सब हम इकट्ठे रोस्ट कर लेते हैं। बीज जो है ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इनको रोस्ट होने में लगभग 1 ही मिनट का समय लगा है। आप देख सकते हैं ये फूल गए हैं और इनमें से चटकने की आवाज आ रही है, स्प्लटर कर रहे हैं। तो मैं गैस की आंच को बिल्कुल कम कर देती हूँ और इनको भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो यहाँ मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। पिस्ता और किशमिश को हम ऐसे ही यूज करेंगे तो अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इन सभी चीजों को अब हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है। तो हम ये मिक्सर जार ले लेते हैं और इसमें ये सारी चीजें डाल लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं पिस्ता। ये मैंने नॉर्मल पिस्ता लिया है, जो रोस्टेड पिस्ता आता है उसी को मैंने छिलका उतार के वो मैंने ले लिया है और हल्का सा इसमें सॉल्टी फ्लेवर अच्छा लगेगा। और ये मैंने साथ में लिए हैं किशमिश, जो इसमें डाल देते हैं और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीजें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं और आपने देखा होगा मैंने मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए सभी चीजों को दरदरा पीस लिया है। बहुत ज्यादा इनका पाउडर नहीं बनाना है और हमें इसी तरह का ये मिक्सचर चाहिए। प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा ड्राई फ्रूट लड्डू का मिक्सचर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से यूं बाइंड भी हो रहा है तो इसको हम आराम से लड्डू का शेप दे सकते हैं। तो अब हम सारे लड्डू बना के रख लेते हैं। ये लड्डू आप बहुत ज्यादा बड़े साइज में ना बनाइए क्योंकि ये काफी गरिष्ठ होते हैं, खाने में हैवी होते हैं और अगर आप ब्रेकफास्ट में ये एक लड्डू दूध के साथ ले लें तो आपके लिए ये सफिशियंट ब्रेकफास्ट होगा। और इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अंदर रोज
जाएंगे हमारी बॉडी में, और विंटर्स में ये बहुत ही अच्छा तरीका है ड्राई फ्रूट्स खाने का। इस तरह से हम अपने सभी लड्डू तैयार करके रख लेंगे। ड्राई फ्रूट लड्डू बनके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, और ये लड्डू आप 12-15 दिन में ख़त्म कर सकें। उतने ही बना के रखिए एक बार में, ज़्यादा ना बनाइएगा क्योंकि इनमें स्मेल हो सकती है। तो ये लड्डू बनाने में बहुत आसान है, आप चाहें तो दोबारा बहुत जल्दी से बना के इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज़ कुकबुक।